नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत। संख्या पद्धति के पिछले वीडियो में संख्या के क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में आपने पढ़ लिया था, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको दो संख्या पन्ने और अपन्ने संख्या के बारे में मैनुअली बताया था। आज अपन इन दोनों संख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इन संख्याओं से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि परिमेय संख्या, तो दोस्तों सबसे पहले परिमेय संख्या इट मीन्स रेशनल नंबर। तो सबसे पहली जो आ गई वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरी जो संख्या होती है वो अप्रिमेय संख्या इरेशनल नंबर। और ये जो दोनों चीजें हैं इस संख्या पद्धति में, संख्याओं के क्लासिफिकेशन में चार ही चीज काम में आने वाली ज्यादा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। एक तो भाज्य और अभाज्य, और भाज्य और अभाज्य मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है। और एक उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी संख्या भाज्य और कौन सी अभाज्य। और एक जो काम में आने वाली बात है वो प्रमेय और अप्रमेय संख्या। तो सबसे पहले अपन गणित के हिसाब से बात करते हैं। तो गणित ने क्या कहा कि वह संख्या जिसको पी बटे क्यू, इट मीन्स एक भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू, क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर क्यू का मान जीरो हो जाएगा तो अगर किसी भी संख्या के बटे में अगर अपन जीरो लेते हैं तो उस स्थिति में उसका जो मान होता है वो इनफाइनाइट अनंत होता है। तो मेरे कहने का मतलब वह संख्या जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी अप्रमेय का मतलब पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होगी, अप्रमेय होगी। ये तो है गणित की भाषा। अब अपने हिसाब से देखिए अपन, तो परिमेय का मतलब दोस्तों क्या हो गया, परिमित हो गया। और परिमित का मतलब क्या हो गया, निर्धारित हो गया। और निर्धारित का मतलब दोस्तों क्या हो गया, फिक्स। इसी तरीके से ये अपरिमित या अनिर्धारित या फिर इसको क्या बोल सकते, अनफिक्स बोल सकते। तो मेरे कहने का मतलब जिस संख्या का मान परिमित है, निर्धारित है, फिक्स है, वो तो परिमेय, और जिस संख्या का मान फिक्स नहीं है वो अप्रमेय। अब सबसे पहले हम संख्याओं में पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। तो जीरो, एक, दो, तीन, ये सारी पूर्ण संख्या परिमेय है छोड़ के अनंत। तो इसका मतलब सभी की सभी पूर्ण संख्या परिमेय है छोड़ के किसको, अनंत को। तो अनंत क्या है, अप्रमेय संख्या है, तो इसको अप्रमेय में लिखिए। उसके बाद में बात आती है परफेक्ट रूट की, रूट चार, रूट नौ, रूट सोलह। परफेक्ट रूट का मतलब जिन संख्याओं का रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या होगी या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या तो परिमेय है, लेकिन अपूर्ण वर्ग संख्याएं ये जो है ये क्या होंगी, अप्रमेय होंगी। इसके बाद में दोस्तों अपन जो बात करते हैं भिन्न संख्या की, तो जैसे तीन बटे पांच, बाईस बटे सात, ये भिन्न संख्याएं परिमेय है। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं, पाई जो है वो अप्रमेय है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय या अप्रमेय कौन सी है, वो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। तो अब आप लोग बोलोगे सर पाई अप्रमेय कैसे है, तो दोस्तों पाई जो है इसका मान 22 बटे 7 भी होता है, 3.4 4 भी होता है, इसी पाई का मान 180 डिग्री भी होता है। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब एक ही पाई के तीन चार मान हो गए, तो ये क्या होगी, अप्रमित होगी। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दशमलव भिन्न की, तो 3.5 ये भी क्या है, परिमेय है।
इसके बाद में अगर एहसान दशमलव दिन की बात करते हैं 3.14 के ऊपर बार, तो ये भी पर में एहसान का मतलब क्या हो गया कि 3.14 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया 3.14 इस तरीके से आता है, तो ये भी क्या है परिमेय। इसी तरीके से अगर लोग आधार ई लेते हो तो वो भी आप परिमेय है आयता जो लेते हो। अब आप लोग बोलोगे तो सर स्मॉल आई आयता, आयता का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्मॉल आई का मतलब आयता, और आयता है वो काल्पनिक संख्या होगी, और काल्पनिक संख्या का मतलब वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह, तो वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह वो काल्पनिक संख्या होगी, तो काल्पनिक संख्या भी है वो अप्रमेय संख्या होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी होगी, पहला ऑप्शन पूर्ण संख्या, दूसरा ऑप्शन पूर्णांक संख्या, तीसरा ऑप्शन वास्तविक संख्या, और चौथा ऑप्शन काल्पनिक संख्या, तो कौन सी होगी वास्तविक, क्योंकि पूर्णांक संख्या भी परिमेय नहीं है सभी की सभी क्योंकि उसमें अनंत आ जाता है, पूर्ण संख्या भी परिमेय नहीं है क्योंकि उसमें भी अनंत आ जाता है, बट वास्तविक संख्या जो है वो क्या है परिमेय है, लेकिन काल्पनिक संख्या परिमेय नहीं है। और एक चीज और भी देख सकते हो कि ये जो पांच छह होगी ना ये तो है परिमेय, बाकी बची हुई सारी संख्याएं क्या है परिमेय, तो ये चीज भी होगी। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय संख्या होगा, और दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय संख्या है, भाग वो परिमेय हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये इसके परिमेय और अपरिमेय के गुणधर्म है। बाकी आप लोग मैनुअली एग्जाम्पल लेकर के इन सारे गुणधर्मों को आप लोग फॉलो करवा के देख सकते हैं। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है वो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और वो जो क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है, ये क्वेश्चन कम से कम बहुत सारे एग्जामों में कम से कम 15-20 बार पूछा गया। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन लॉग आधार की, तीसरा ऑप्शन जो है वो आयता हो गया, चौथा ऑप्शन जो है वो 22/7 हो गया। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो कि पाई और 22/7 तो दोनों सेम से ही, क्योंकि पाई का मान ही तो 22/7 होता है, तो लॉग आधार की आयता होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही पाई के 3-4 मान होते हैं, इसी वजह से पाई क्या है अपरिमेय संख्या, तो पाई भी अपरिमेय है, लॉग आधार भी अपरिमेय है, आयता भी है अपरिमेय, तो यहां पे परिमेय संख्या है वो क्या होगी 22/7। तो अपन ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्लासिफिकेशन जो है विभाजन है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसी प्रकार आगे और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा सब्सक्राइब के सामने दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।